नमस्कार, मैं हूँ आपकी सुनाचा तिवारी। आप देख रहे हैं वक्त हो गया है देश में कुछ खास का। त्रिवेंद्र सिंह रावत के सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद अब बुधवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में भाजपा विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें शीर्ष नेतृत्व की ओर से पर्यवेक्षक बना भेजे जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और भाजपा प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम विधायकों में से नए नेता के नाम पर चर्चा। दिल्ली सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में शिक्षा के लिए मंगलवार को 16,377 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बजट पेश करते हुए कहा है कि पहले के 6 वर्षों की ही तरह इस बार भी 69,000 करोड़ रुपए के बजट का 25% हिस्सा शिक्षा के लिए आवंटित किया। तमिलनाडु में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कमल हासन की पार्टी मक्कल निधि मय्यम ने 234 सीटों में से 154 सीटों का चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। पार्टी ने अपने दो सहयोगी दलों के लिए 40-40 सीटें छोड़ दी है। बता दें कि एमएनएम की दो सहयोगी पार्टियां अखिल भारतीय समतुवा मक्कल काची और इंडिया जय नाना यगा काची है। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम एक बार फिर वार्ड बनता जा रहा है। दरअसल राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस बार नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इसके मद्देनजर वह आज नंदीग्राम पहुंच गई है और 10 मार्च को अपना नामांकन दाखिल करेंगी। हावड़ा से मुंबई जा रही गीतांजलि एक्सप्रेस से महाराष्ट्र के अकोला जिले में मंगलवार को पटरी से उतर गई। घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। अधिकारियों ने बताया कि रेलगाड़ी के पटरी से उतरने के कारण कुछ देर तक मार्ग पर यातायात बाधित रहा। रेलवे पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि मुंबई जा रही रेलगाड़ी का अंतिम SLR डिब्बा सुबह करीब 11:15 बोरगांव मंजू और काकेपुर स्टेशनों के बीच पटरी से उतर। 10 फरवरी के बाद थाने महानगरपालिका क्षेत्र में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। तकरीबन यही स्थिति मार्च महीने के पहले सप्ताह में भी नजर आ रहा है। प्रतिदिन 150 से 250 के बीच कोरोना के नए मरीज सामने आ रहे हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए थाने महानगरपालिका कमिश्नर ने शहर के 16 जगहों को हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित करते हुए 21 मार्च लॉकडाउन करने की घोषणा की है। लोकसभा सदस्य मोहन डेलकर की मुंबई में हुई मौत की जांच एक विशेष जांच की मतलब की SIT करेगी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मंगलवार को विधानसभा को बताया। दादरा एवं नगर हवेली से 7 बार लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुए डेलकर का शव 22 फरवरी को मुंबई के एक होटल में पाया गया था। भिवंडी मनपा अंतर्गत निर्माणाधीन रास्तों और भूमिगत नालों का काम बारिश के आगमन से पहले पूरा करो, इस प्रकार का निर्देश आयुक्त डॉक्टर पंकज आशिया ने मनपा के संबंधित विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को एक बैठक के दौरान दिया है, जिसे लेकर मनपा गलियारों में हड़कंप मच गया है। थाने जिले के कद्दावर और वरिष्ठ नेता RC पाटिल अपने बेटे और सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा पार्टी छोड़कर उप मुख्यमंत्री और NCP नेता अजित पवार की मौजूदगी में फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। उक्त अवसर पर गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड और थाने जिला NCP अध्यक्ष आनंद परास्पे भी उपस्थित थे। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर उद्धव ठाकरे सरकार जल्द ही रिव्यू मीटिंग कर सकती है। इस मीटिंग में ही फैसला किया जाएगा कि महामारी पर नियंत्रण के लिए क्या कदम उठाया जाए। SBI सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि राज्य में एक बार फिर लॉकडाउन भी लगाया जा सकता है। तो यदि खास खबर देश और दुनिया की खास खबरों के लिए बने रहिए।